नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर गुजरात चुनाव को लेकर, जहां पर एक खास शब्द को लेकर एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर 2017 की स्थिति में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी की बड़ी कीमत चुकाने के बाद अब मधुसूदन मिस्त्री ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने राजीव भवन में पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च करने के बाद एक टीवी चैनल से कहा कि वो गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कितनी कोशिश कर लें, वे सरदार पटेल नहीं बन सकते। मिस्त्री के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मैं इस बयान की कड़ी भर्त्सना करता हूं। उन्होंने कहा कि मधुसूदन मिस्त्री का ये बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रधानमंत्री के प्रति वैमनस्य दिखाता है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते रहते हैं। ये उनका अपमान नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के संवैधानिक पद पर भी जो लोग बैठे हैं उनका अपमान भी है। मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात दिखाने की बात पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कही। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी किए जन घोषणा पत्र के पेज संख्या 59 पर वादा किया है कि सरकार बनने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम वो फिर से सरदार पटेल स्टेडियम कर देंगे। पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है कि ये काम सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में किया जाएगा। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री से जब पूछा गया कि इसे घोषणा पत्र में क्यों शामिल किया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखाएगा, वो सरदार पटेल नहीं बन सकते हैं। मधुसूदन मिस्त्री के बयान को बीजेपी ने एक बार फिर से पीएम के अपमान से जोड़ दिया है। मिस्त्री का ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल बन सकता है। साल 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये बयान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया था और इससे पार्टी को चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही तेलंगाना में कहा था कि रोज रोज 3-3 किलो गालियां खाते हैं वो। मोदी ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर को निशाने पर लेते हुए कहा था कि उनके अंदर बहुत एनर्जी है, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत गालियां खाते हैं। उन्होंने कहा कि वे निराश, भय और अंधविश्वास के कारण मोदी को सुबह शाम गालियां देते हैं, पानी पी पी कर गालियां देते हैं, पूरी उम्र इसी में खपा दी है। उनके पास गालियों के अलावा और कुछ भी देने के लिए बचा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि आप परेशान मत होइए, मैं तो पिछले 20-22 सालों से वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना में दिए इस बयान के बीच में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जो लोग गालियां देते हैं उनको उन्होंने एक तरह से चेतावनी देते हुए ये बताया था, कहा था कि जो लोग गालियां देते हैं उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का कंटेक्स्ट यहां पर अलग था, लेकिन फिलहाल जो शब्द मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला है, औकात शब्द, इस पर राजनीति और इस पर विवाद अब फिलहाल थमने वाला नहीं है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।